सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अगोंडा में। अगोंडा ये साउथ से भी आगे है, गोवा से भी मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ। और ये स्पेसिफिकली बड़ी प्राइवेट जगह आया हूँ मैं। और ये मेरा रूम है इधर, मतलब ये मेरा कॉटेज है। मैं कॉटेज का आपको व्यू दूंगा। और जस्ट यहाँ से निकल के देखो क्या व्यू है। जस्ट इज़न दैट अमेजिंग, मतलब मैं कॉटेज से निकल के यहाँ पर पूरा बीच का व्यू है। तो यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो, ये इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। और इधर भी उधर बार और खाने पीने को काफ़ी कुछ है। मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त लगी ये प्रॉपर्टी। तो देखो कितनी अमेजिंग है यार, मतलब बहुत ही सही है। और अभी तो थोड़ा शाम हो गई यहाँ पहुँचते पहुँचते। गोवा से तो काफ़ी दूर है ये, 2 घंटे, लगभग 2 घंटा दूर है गोवा से। तो काफ़ी लंबी ड्राइव थी, रास्ता भी बहुत अच्छा था। बट सिंपली ये व्यू और इस जगह के लिए तो कम्प्लीटली वर्थ इट है। पूरा इनने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको बना रखा है। तो देखो ऐसा कुछ कॉटेज है, इन्होंने यहाँ पर पानी भी रखा हुआ है कि आप बीच से और अपने पाँव बंदे ना हो। यहाँ सिटिंग है बाहर, और रूम कुछ ऐसा रूम है। देखिए एसी वगैरह लगा हुआ है। रूम देखो थोड़ा एवरेज ही है, जरा मैं ठीक ठाक सा रूम है। बट वो ये व्यू का है सब कुछ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है देखो, यहाँ पर ओपन वॉशरूम है। ये देखो मतलब ये पूरी देखो स्काई है, मतलब आप ये शावर, वो शावर एरिया है उसके नीचे भी। और ये देखो कितना अमेजिंग है यार, कितना मस्त है। चलो बाकी अभी आया ही हूँ, थोड़ा चेंज वगैरह करके देखता हूँ, थोड़ी देर बीच पे बैठते हैं। बाकी कुछ भी व्यूज़ होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। देखो ये वाला होटल है और ये इनका बीच है यहाँ पर। ठीक है लाइटिंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल की रात के बाद ऐसा कुछ है यहाँ का व्यू। देखो अभी बीच पे जाके आया था मैं सुबह, अभी तो थोड़ी धूप आ गई ज़्यादा। काफ़ी मस्त है यार, पूरी ऐसे समुद्र की आवाज़ आती रहती है यहाँ पे। देखो कल तो थोड़ा सा वो था, शाम हो गई थी तो मैं दिखा नहीं पाया ज़्यादा क्लियरली। तो ये देखो ऐसे कुछ कॉटेज है, ये वाली सेटिंग यहाँ पे भी है। देखो कल रात को इधर भी बैठे हुए थे और बस यहाँ बैठ कर आराम से बीच का व्यू इन्जॉय करो। और इधर आते हो तो इनकी यहाँ पे किचन एंड बार है, ऐसे और भी रूम्स हैं। ये इनकी किचन और बार है, ऊपर भी सेटिंग है नीचे भी। और बस ये दरवाज़ा से आप सीधा बीच पे जा सकते हो। और जो ये वाली सेटिंग है ना, ये इनकी टॉप पे है, यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर टाइप इन्हें बना रखा है। और आप मतलब यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट लंच डिनर करो और व्यू देखो, है ना अमेजिंग यार। और इस साइड अपने रूम है पेड़ वेड़ों में, मस्त ऐसे हट्स मैं जो पहले दिखाया। इस साइड भी, ये इस साइड वाली प्रॉपर्टीज इनकी नहीं है। अच्छा इस बीच पे ना पूरी प्रॉपर्टीज़ ही प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी प्राइवेट वाला ही सीन है यहाँ पे। कि मतलब ये एक तो मछुआरे घूम रहे हैं और उसके अलावा सिर्फ ये जो प्राइवेट वाले लोग इधर ना आ रखे हैं। और सीन कुछ ऐसा है कि मैं नहा दो तो लिया, देखो अभी 8 ही बजे सुबह के, पर मैं जानबूझ के जल्दी नहा लिया कि यार टाइम मिल जाए, फिर ये तो चेकआउट के लिए बोल दे कि जल्दी। तो मैं चाहता हूँ कि नहा धो के रेडी हो जाएं, इन चीज़ों में टाइम बिल्कुल स्पेंड वेस्ट ना करें और बस फिर चलें। यहाँ बैठेंगे, व्यूज़ वगैरह इन्जॉय करूँगा। थोड़ा सोच रहा हूँ कि फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर लूँ, क्योंकि यार ऐसी लोकेशन में बार बार आना होता है नहीं। और आज रात की अपनी फ़्लाइट भी है जयपुर के लिए वापस। तो अब ऐसा थोड़ा लग रहा है कि यार थोड़े दिन एक्सटेंड कर देने चाहिए थे। उस टाइम तो प्लान करते हुए इतना सोचा नहीं, बट अब लग रहा है कि यार थोड़ी सी ट्रिप और लंबी बनानी चाहिए थी। और बस मैंने जैसे बताया, मैं नहा तो लिया ही हूँ, बस चेंज करना है। बाकी लोग तैयार हो रहे हैं, उसके बाद चेंज करूँगा। और बस फिर यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और बाकी आगे के व्यूज़ इन्जॉय करते हैं। और कल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कल ना यहाँ से आए थे हम लोग, इस साइड से कहीं से रास्ता आता है तो ये ना पहाड़ है यहाँ पर। तो एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं एक बार कोई हिमाचल में ही आ गए, मतलब हिमाचल वाला सीन हो रखा था यहाँ पूरा। आप सोचो इतने ज़्यादा घने पहाड़ हैं और पूरा इधर मतलब अंदर ही अंदर है। और ये अगोंडा करके जगह है, ये साउथ मतलब साउथ गोवा है, जिस जो एकदम एक्सटेंड है, मतलब सबसे लास्ट पार्ट है ये गोवा का। इसके आगे मतलब ये मेन लास्ट बीच है, इसके आगे कुछ भी नहीं है।
और दोनों सब यहाँ जाओगे तो पूरे इधर 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 भी रिजॉर्ट्स, इधर भी रिजॉर्ट्स। और यहाँ पे रात को ना अपना कैंडल लाइट डिनर भी होता है यहाँ पे, नहीं ये बीच पे यहाँ पे इनके रिजॉर्ट के सामने ये ऐसी टेबल्स और चेयर्स डाल देते हैं जिसमें आप कैंडल लाइट डिनर भी इंजॉय कर सकते हो। और खाना बहुत अच्छा है यहाँ का, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ठीक है, वर्थ इट है। तो जी फाइनली लगभग 12 बज गए और अब इस रूम को चेकआउट करने का टाइम हो गया है। तैयार हो गए थे, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, मैंने चेंज करके ब्रेकफास्ट कर लिया था, फोटोज़ वोटोज़ क्लिक कराई हैं काफ़ी सारी, और बस अब निकलने का टाइम हो गया। निकलेंगे तो वैसे नहीं है, मैं यहाँ बैठूंगा थोड़ी देर, बट बैग वैग सारे पैक करके, क्योंकि होटल में ये रूम अब फ्री नहीं है, तो इसलिए पहले मैंने बोला था कि थोड़ा एक्सटेंड कर दो यार रूम को, लेट चेकआउट कर दो, नहीं तो थोड़े पैसे चलो उन्हें पर किया नहीं, क्योंकि इनके भी गेस्ट वगैरह आ रखे हैं। तो बस अब बाकी यहाँ से थोड़ी देर बैठूँगा यहाँ पे और फिर निकल लेंगे, क्योंकि अपनी रात की 2 बजे की फ़्लाइट है और गाड़ी वाड़ी भी सबमिट करनी है वापस, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता भी एयरपोर्ट का। तो अब बस निकलने की तैयारी है, बस अब बाय बाय करना पड़ेगा इस रूम को, चलो बाहर चल के मिलते हैं। और ये साउथ में ही दूसरे वाले एक बीच पर आया हूँ मैं, और अभी यहाँ बैठे बैठे खा पी रहा था कुछ। और ये देखो यहाँ पे कैफे ज़्यादा हैं, जैसे वो वाले बीच पे ज़्यादा अपने वो थे रिजॉर्ट्स थे। और देखो सनसेट कितना प्यारा लग रहा है ना, बस थोड़ी देर चारों में यहाँ टाइम स्पेंड कर लूँ, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा, 2 घंटे की ड्राइव है, फिर एयरपोर्ट पहुँचना है। मैंने पहले भी बताया बट फिर भी बस यही सेम चीज़ वापस रिपीट कर रहा हूँ, पर काफ़ी अच्छा यार ये यहाँ साउथ के बीचेस ने मेरे को बहुत ज़्यादा क्लीन लगे, इसको माइंड मत करना ही किसी का सामान पड़ा है इधर, बट ओवरऑल काफ़ी प्यारा है। सो फाइनली रीच एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट पहुँचा हूँ जस्ट अभी, अभी फ़्लाइट को अपने तो काफ़ी टाइम है, घड़ी तो वैसे डिस्चार्ज हो गई बट फ्लाइट को काफ़ी टाइम है, तो आई थिंक लाउंज वगैरह देखूंगा मैं जाकर, तो बस अभी आके बैठा हूँ, बाकी जनों का वेट कर रहा हूँ, अगर वो लोग भी आ जाएँ सारे एंट्री गेट से और फिर बस जाते चेक इन करके उस पर भी लाउंज ही जाऊँगा, क्योंकि 2-3 घंटे हैं जो भी स्पेंड करने हैं वहाँ पर, तो निकल जाएगा टाइम।